दुनिया में जब भी दो देशों के बीच दोस्ती की बात होती है तो भारत और रूस की दोस्ती का जिक्र जरूर होता है। रूस ने हर संकट में भारत की मदद की है, लेकिन अब दोनों देशों के बीच के रिश्ते में खटास आने लगी है। यही नहीं, भारत ने अब रूस से हथियार खरीदना भी कम कर दिया है। ये खुलासा स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट में हुआ है। SIPRI के अंतर्राष्ट्रीय हथियार लेनदेन का रुख 2018 की रिपोर्ट के दावों की माने तो रूस का भारत को हथियार निर्यात 2009 से 2013 और 2014 से 2018 के बीच 42% तक गिर गया है। इसके मुताबिक 2009 से 2013 के बीच भारत के कुल हथियार आयात में रूस से आयातित हथियारों का हिस्सा 76% था, जो 2014 से 2018 में घटकर 58% रह गया। दोनों देशों के बीच रिश्तों को लेकर खबर ऐसे समय में आई है जब भारत का पाकिस्तान से बॉर्डर पर टेंशन बढ़ा हुआ है। वहीं पाकिस्तान को चीन की ओर से सांकेतिक तौर पर मदद मिल रही है। रूस से कम खरीदारी के बावजूद, हालांकि भारत दुनिया में प्रमुख हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश बना हुआ है, वहीं दुनिया के हथियार खरीदारी में भारत का हिस्सा 10% के करीब है। वित्त वर्ष 2014 से 2018 में अमेरिका, फ्रांस और इजराइल से भारत को हथियारों का निर्यात बढ़ा है। रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका और पाकिस्तान के बीच भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पाकिस्तान को अमेरिका सैन्य सहायता या हथियारों की बिक्री करने से परहेज कर रहा है। इस दौरान अमेरिका का पाक को हथियार निर्यात 81% तक गिर गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान का हथियार आयात 2009 से 2013 और 2014 से 2018 के बीच 39% घटा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2014 से 2018 में दुनिया के सबसे बड़े हथियार बेचने वाले देशों में अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी और चीन रहे, जबकि सऊदी अरब, भारत, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और अल्जीरिया सबसे बड़े खरीदारों में शामिल रहे। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।